और पानी पीने के लिए सारी तकरीबन सहूलियात यहाँ पे मौजूद होती है। अच्छा, अगर इनको आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं रखेंगे तो इनका बिहेवियर बिगड़ सकता है। इस वजह से लोग इनको यहाँ पे बाहर लेके आते हैं ताकि उनका बिहेवियर फ्रेंडली रहे। जी अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अमेरिकन सोसाइटी और कल्चर का एक पहलू दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे डॉग पार्क होते हैं, जो डेडिकेटेड एरिया होता है जहाँ पे लोग अपने डॉग्स को लेके आते हैं खेलने के लिए। तो ये मेडिसन स्क्वायर पार्क में ये डॉग पार्क है, यहाँ पे डेडिकेटेड एरिया है फॉर डॉग्स। तो यहाँ पे पॉलिसी है, अगर आपने अपने डॉग को बाहर लेके जाना है आपने इसको बांध के रखना है। तो अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं यहाँ का एनवायरनमेंट। थैंक यू। उनके लिए पानी का इंतज़ाम मौजूद है और यहाँ पे यानी अगर आपके डॉग को आपने यहाँ पे आप इसको अनचेन रख सकते हैं, नहाने के लिए, खेलने के लिए और पानी पीने के लिए सारी तकरीबन सहूलियात यहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे पेट्स के भी अपने राइट्स होते हैं हर जगह, यानी हर ब्लॉक में गवर्नमेंट की तरफ से, सिटी की तरफ से ये लाजमी कंपोनेंट है कि डॉग प्ले एरिया लाजमन होना चाहिए। उधर छोटे डॉग्स होते हैं, वहाँ लेके चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे थोड़े से बड़े डॉग्स होते हैं और उस तरफ छोटे डॉग्स होते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे निस्बतन छोटे डॉग्स होते हैं ताकि खेलने के दौरान, वहाँ पे जो बड़े डॉग्स होते हैं ताकि खेलने के दौरान उनके दरमियान लड़ाई ना हो। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे शाम के वक्त वन ऑफ़ द मेन एक्टिविटी और हॉबी लोगों की ये होती है कि जब वो शाम के वक्त आते हैं तो शाम के वक्त अपने डॉग को बाहर लेके जाते हैं।
तो यहाँ पे उनकी रनिंग थोड़ी करवा देते हैं और इनको अनचेन छोड़ देते हैं ताकि डॉग थोड़ा इंजॉय करें। अच्छा, अगर इनको आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज नहीं रखेंगे तो इनका बिहेवियर बिगड़ सकता है। इस वजह से लोग इनको यहाँ पे बाहर लेके आते हैं ताकि उनका बिहेवियर फ्रेंडली रहे। तो यहाँ पे वो डॉग्स को प्रॉपरली ट्रेन करवाते हैं, उनकी बिहेवियर ट्रेनिंग होती है। तो बिहेवियर ट्रेनिंग का वन ऑफ द मेन कंपोनेंट यही है कि आप हर शाम को अपने डॉग को बाहर लेके जाएं और इनको अनचेन छोड़े ताकि वो खेले कूदे दूसरे डॉग्स के साथ।